बिस्मिल्लाम अरबा मेहू श वहीद और हम हसब आदत अपने लेक्चर का आगाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ कर चुके हैं यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल कि हमने अपने लेक्चर नंबर वन में रीजनिंग ऑफ मेकिंग दिस किंगडम स्टडी किया था इट वॉज अ वेरी फर्स्ट पार्ट और फिर सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया था वाट इज़ द बेसिकली हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ऑफ दिस फाइलन और फिर उसके बाद हम लोगों ने दो इसकी टाइप्स पढ़ी थी यूनोवेरी वेल उनमें से एक था अमीबा और दूसरे को हमने पढ़ा था वेट और आज हम लोग इन प्रोटोजोन्स की दो क्लासेस पढ़ने वाले हैं जिनमें से एक का नाम है सिलिएट्स और एक का नाम है स्टूडेंट्स वक्ट एंड फॉर सो लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड यस माई स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज सिलियट्स को सो लेट स्टार्ट विथ देडिंग ऑफ वट सिलियट्स तो हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि इस वर्ड सीलिया का क्या मतलब है तो स्टूडेंट्स इसके आंसर हैं दो पहला मतलब ये है कि हम इसे कह सकते हैं आई लैशेस, राइट right. आपको पता है कि ये हमारी आई है और आईलेट के ऊपर दे आर सर्टन स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बेसिकली डिफरेंट किस्म के डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं कैप्चर करते हैं और मेरी आंख की हिफाजत कर रहे हैं हम उन्हें बोलते हैं आई इसके अलावा इसका मतलब टू कवर यानी कि किसी चीज को कवर करना या हाइड करना उसको उसकी छुपा देना ये भी हमारे वर्ड सीलियम का मतलब होता है यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म की अब हम बात करेंगे उस ऑर्गेनिजम की बॉडी पर बहुत से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे यू you नो know वेरी वेल well. मुझे इस बात का पता है आपने ग्रेड ग्रेट नाइंटन में इस एनिमल के बारे में पढ़ रखा है फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ड्रॉ करें तो स्टूडेंट्स ये एनिमल कोई इस तरह का एनिवल इस शेप का एंड यू नो वेरी वेल के हम इसे स्लीपर शेप एनिमल बोलते हैं और ये स्लीपर शेप एनिमल क्या कहलाता है पैरामीशियम पैरा मीशियम और ये भी आप लोग जानते हो कि इस पैरामीशियम की सरफेस पे हजारों की तादाद में क्या प्रेजेंट है आई लेशेज लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम लोग नाम देते हैं सीरियर और अगर आपने गौर किया हो तो मैंने इन सारे के सारे सीरिया की डायरेक्शन राइट हैंड की तरफ बनाई है मींस इस तरफ को बनाई क्यों? कि ये वाला स्ट्रक्चर एनिमल का एंटीरियर पार्ट है एंटीरियर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आगे वाला ये एनिमल का आगे वाला हिस्सा है और ये वाला जो पॉइंट है जिस तरफ मैंने इन तमाम सीलिया की डायरेक्शन की हुई है दिस वन दिस इज कॉल्ड एस पोस्टीरियर एंड ये उसका पीछे वाला हिस्सा है और इसके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यदि हम क्या नाम देते हैं सीलिया और इसका सिगुलर कहलाता है सीलियम राइट right. तो ये हो गया सीलिया और सीलियम में डिफरेंस राइट right? तो ये हमने पहला पॉइंट ऑप्टेन कर लिया है ग्रैप कर लिया आप लोगों ने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सीलिया अब हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग सीलियट तो वो क्या है शेप तो मैंने अमीबा की तरह से इसकी कोई भी शेप नहीं बना दी इट हैज गॉट अ डेफिनेट शेप और वो जो डेफिनेट शेप है इट इज ड्यू टू स्ट्रक्चर ंग इन अबीबा मैंने कल भी सा जिक्र किया था ये योर राइट हम बात कर रहे हैं पेरिकल के बारे में ऊपर एक पेरिकल की लेयर प्रेजेंट है और ये पेरिकल की लेयर इसे डेफिनेट शेप दे रही इसी से मुराद है इट इज असाइनिंग और गिविंग शेप टू द ऑल मेंट सीरिएटा और सो डेफिनेट शेप लेकिन हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या किया हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पैरामीशियम का डायामीटर मेजर किया और डायमीटर मेजर करने के बाद हमने एक ऐसी स्लेक्ट प्रोड्यूस की जिसका डायामीटर इस पर्टिकुलर पैरामीशियम की बॉडी से थोड़ा छोटा था तो इसने क्या किया इसने अपने को वहां से स्क्वीज किया फ्लेक्स किया अपनी बॉडी को और उसमें से गुजर गया इट मीन्स कि ये पेलिकल क्या होती है फ्लेक्सिबल तो ये भी आपने माइंड में रखना है ऑल दो इट इज गिविंग पतला कर सकता है और एज पर स्ट्रक्चर अपने को मूव कर सकता है देन वी वॉन्ट टू मूव नेक्स्ट पॉइंट और वो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स लोकोमोशन ये जो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं सीरियट्स ये लोकोमोट करने के लिए टू से अपनी जगह विद रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंट चेंज करने के लिए क्या इस्तेमाल है करते हैं यस दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और इन हेयर लाइक फाइन स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम क्या देते हैं यस सीलिया राइट अब अपने क्या गौर करना है कि हम साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं हम एनिमल की खाल लेते हैं हमें पता चलता है कि खाल के ऊपर बाल है फिर हम लोग उस एक बाल को पकड़ते हैं तो चलता है कि बाल के ऊपर भी एक खाल थी राइट फिर हम उस खाल को उतारते हैं उसके ऊपर हमें फिर बहुत से बाल नजर आते हैं तो हम साइंटिस्ट लोग बाल की खाल और खाल के बाल उतारते रहते हैं जब तक कि हम उसके मैक्सिमम इंटीरियर तक नहीं पहुंच सक चाहते लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि हम पहुंच चुके हों अभी भी ऐसा हो सकता है कि आइंदा आने वाले दौर में रिसर्च और आगे बढ़े और आने वाली नस्लें इससे भी आगे नॉलेज को लेकर चले जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि देर इज ऑलवेजकॉलन इन एट द एंड कॉन्टिन्यूट तो हम बात ही करें अगर मैं एक पर्टिकुलर इस सीलियम को काटूं तो मुझे यह पता चलेगा स्टूडेंट्स कि इसके अंदर बहुत ही फाइन से अरेंज होते हैं और इनकी खास किस्म की अरेंजमेंट है जिसे हम लोग नाइन प्लस टू अरेन्जमेंट बोलते राइट अब अगर मैं इस पर्टिकुलर सीरियम की इस अरेंजमेंट को ड्रॉ करूं तो मैंने यहां पे एक पेयर यहां ड्रॉ किया एक फिर दूसरा यहां तीसरा यहां फॉर एग्जाम्पल चौथा यहां पांचवा यहां छठा यहां सातवां यहां आठवां यहां और नौवां यहां फॉर एग्जाम्पल ये पेयर इसी तरह का एक पेयर सेंटर में भी है ये जो सेंटर वाला पेयर है ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस देता है टू फाइव सीरिया ऑन वन साइड एंड फोर पेयर ऑफ सीरिया ऑन द अदर साइड यानी जब ये वाले फाइव फिलामेंट्स कॉन्टेक्ट करेंगे तो ये वाला सीरियम इस तरफ को बेंड होगा राइट और जब ये वाले कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो इस तरफ को बेंड होगा यानी कि ये जो एक सीरियम है ये इट सेल्फ बेंड हो सकता है मूव कर सकता है और इसकी बेंडिंग और फ्लेक्शन की वजह से ही ये वाले ऑर्गेनिज्म किसी एक कश्ती की तरह से बोट की तरह से रिवर्स भी मूव कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं राइट फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं और रिवर्स भी मूव कर सकते हैं यू नो वेरी वेल अगर आपने कभी कश्ती आने के मुकाबले होते हुए देखे हो तो अगर हम इस तरह अपनी ओट्स को या टप्पो को मूव करेंगे तो बेसिकली मैं वॉटर को पीछे धकेल रहा हूं तो माई बोट विल मूव फॉर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन लेकिन अगर मैं उनको रिवर्स मूव करना शुरू कर दूं, तो नौ वो सेम बोर्ड रिवर्स मूव करना शुरू कर देगी तो यही वाला केस स्टूडेंट्स इन सीलिया के साथ है कि ये सारे के सारे सीलिया एक कोऑर्डिनेटेड वे में मीन्स आपस में मिल के चलेंगे राइट इधर दे विल एंश्योर द मूवमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और एंश्योर द मूवमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म

एक इस तरह कोई स्टॉक ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रॉपर टहनी है राइट और ये किसी एक जगह से उसने अपने आप को एंकर किया हुआ है गाड़ा हुआ है और इसकी इस फनल के ऊपर आप लोगों को इस तरह के बेश बा हजारों क्या नजर आएंगी सीए नजर आएंगी नॉट ओनली ओवर हियर बल्कि यहां पर भी और इमेजिन ये करें स्टूडेंट्स कि ये सिर्फ एक सिंगल सेल है इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अब अगर ये यहाँ पे आराम से खड़ा है तो फिर फूड इसके पास कैसे आएगी डेफिनेटली ये अपने आप की जॉल्टिंग कराएगा ये अपने आप को मूव कराएगा टू एंड फोर डाउन और जिसकी वजह से क्या होंगी स्टूडेंट्स वाटर करंट्स प्रोड्यूस होंगी और उन वाटर करंट्स की वजह से जाहिर है फूड विल कम टू इट इसके पास आएगी और उसके बाद इट विल बी मेड अवेलेबल टू इट राइट तो फूड गेन करने के दो तरीके हो गए ये पहला तरीका तो ये हो गया कि बीइंग अ मोबाइल ऑर्गेनिज्म हम फूड के पास खुद चल कर जाए बींग से मतलब है कि हम एक जगह एंकर्ड है खड़े हैं हम मूव नहीं कर रहे उसे हम बोलते हैं सेसाइल समथिंग जैसे कि मैं अब एक ही जगह पे खड़ा हूं अब मैं क्या करूंगा मैं अपनी बाजुओं को झूलूंगा और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो एयर करंट्स है वो प्रोड्यूस होगी सेम ये प्रोड्यूस करते हैं वाटर करंट्स और फिर जो फूड है वो इनके पास आएगी उसको ट्रैप कर लेगी तो ये हम लोगों नेक्स्ट पॉइंट भी साथ स्टडी कर लिया जिसे हम नाम कर देते हैं वॉट स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन राइट न्यूट्रिशन होता है कि हम फूड कैसे गेन कर सकते हैं अगली बात आप लोगों की बुक का आप शुरू हो जाएगा नेक्स्ट पेज राइट उस नेक्स्ट पेज में आपको सबसे टॉप पे जो टॉपिक लिखा हुआ नजर आएगा उस, तो उसका नाम है स्टूडेंट्स वॉट एक्सक्रीशन यानी कि अब हम एनिमल की एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ रहे हैं अब एक्सक्रीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस ऑर्गेनिज्म की वो ये है स्टूडेंट्स सर आप आपको तो गौर से सुनिएगा इस ऑर्गेनिज्म की इस ऑर्गेनिज्म की प्रॉब्लम ये है कि ये फ्रेश वाटर में रहता है इसका मतलब ये होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर आउटसाइड देन इनसाइड साइड मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि यहां पे वाटर का कंटेंट ज्यादा है राइट और यहां पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट्स क्या है कम तो वाटर हमेशा क्या करेगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इसकी प्रॉब्लम है रैपिड इन फ्लक्स यानी कि बहुत तेजी से पानी मुसलसल इसकी बॉडी में दाखिल हो रहा है इससे मैं इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में, में क्या वर्ड यूज कर रहा हूं रैपिड इनफ्लक्स ऑफ वाटर लिख देता हूं आप लोगों के लिए दिस इज कॉल्ड एज रेपिड इनफ्लक्स ऑफ वॉटर यानी कि वाटर बहुत तेजी से दाखिल होगा इनफ्लक्स नी दाखिल हो जाना इन टू दॉडी ऑफ दिसम तो इसका मतलब यह कि इसकी प्रॉब्लम है पानी से पानी का ज्यादा बॉडी भी आ जाना तो सोल्यूशन क्या है एक्सेसिव वाटर से निजात हासिल कर लेना टू गेट रेड ऑफ एक्सेसिव वाटर और इस परपज के अलाजत ने इसे दे रखा है एक खास एक्सक्रीटरी ऑर्गन और उस खास स्क्रीटी ऑर्गन को हम नाम देते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अब स्टूडेंट्स चूंकि ये रेगुलेट कर रहा है वाटर को तो मैं इसे एक और नाम भी दे सकता हूं वो क्या है स्टूडेंट्स कि ये इसका ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि हम लोग वाटर कंटेंट रेगुलेट कर रहे हैं ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है इसके अंदर एक सेंट्रल यू कैन से के स्टोरेज जोन है जिसके साथ बहुत सी ऐसी ट्यूब्स अटैच होती हैं जो साइडों से एक्सेसिव वाटर को इकट्ठा करती रहती हैं और उसे फाइनली इस पर्टिकुलर सेंट्रल जोन में डाल देती है। जब ये सेंट्रल वाला सैक मुकम्मल तौर पर एक्सेसिव पानी से भर जाता है तो ये अपना लिंक इन साइड वाली ट्यूब से ब्रेक करके यहां से मूव करके आएगा कहां पे समवेयर हेयर यहाँ पे अटैच करेंगे पोर यहां पर छोटा सा एक पोर बनाएगा और उस पर्टिकुलर वेस्ट प्रोडक्ट को बींस वाटर को बॉडी में से बाहर निकाल देगा तो ये है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स वॉट एक्सक्रीशन अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स के वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लिया ऑफ दिस वेरी ऑर्गेनिज्म बहुत कम ऐसा देखने को आता है कि एक ऑर्गेनिज्म के पास दो न्यूक्लियस हो और इन्होंने डॉल कर ली हो डॉल फॉर डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि हमने अपने काम को तकसीम कर लिया राइट आपका काम है स्टूडेंट्स क्या पढ़ना या आप अपना काम करते रहेंगे हमारा काम क्या पढ़ाना हम आपको पढ़ाते रहेंगे राइट और जो टेलर है उसका क्या काम है कपड़े सीना वो अपना कपड़ा सीता रहेगा लॉयर का काम क्या है इंसाफ देना वो इंसाफ देता रहेगा तो हमने जैसे सोसाइटी में अपने कामों को तकसीम कर लिया है ऐसे ही इस ऑर्गेनिज्म ने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को जॉब्स असाइन एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है उससे निजात हासिल करवाना ये इसका काम है तो देखते हैं कि अगर इसकी बॉडी में दो हैं सम समथिंग लाइक इट यहां पे अगर क्यों होते हैं स्टूडेंट्स ये ऐसे और Deliberately मैंने दो न्यूक्लियस ड्रॉ की और एक को मैंने रेड और होलो ड्रॉ कर दिया है है। और 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 दूसरे को मैंने छोटा ये जो मेरे पास बड़ा यानी कि इसकी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी बड़े बंदे के पास है और उसका नाम क्या है मेगा न्यूक्लियस वॉट इज इट्स नेम मेगा न्यूक्लियस ये बड़ा न्यूक्लियस है मेगा का मतलब न्यूक्लियस है वे नेम इट एज वॉट माइक्रो न्यूक्लियस राइट स्टूडेंट्स इस न्यूक्लियस का काम यह है कि ये इस ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करे राइट सो अब हम चल रहे हैं इस पॉइंट पर नो वी वॉन्ट टू डिस्कस दिस पॉइंट दैट इज द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ टाइनी क्रिएचर्स एंड मावर्स ऑफ गॉड तो आंसर इसका यह स्टूडेंट ये पैरामीशियम दो तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा पैरामीशियम कैन रिप्रोड्यूस बाई मीन ऑफ टू वे उनमें से पहला वे है मेरे पास ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या कर रहा है बाइनरी फिशन के प्रोसेस से गुजर रहा है बाय का मतलब होता है टू ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था वाले चैप्टर में कि बाय का मतलब होता है टू नरी का मतलब होता है बॉडी और फिशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन यानी कि अगर एक पैरामीशियम अपने आप को दो पैरामीशी में डिवाइड कर ले तो इसका मतलब यह है कि उसने बाइनरी फिशन कर ली है एड इट इज अफ एक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ जिसका नाम क्या है स्टूडेंट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यू पीपल नो वेरी वेल कि वी आर इन नीड ऑफ एट एटलीस्ट टू ऑर्गेनिजम टू इंडिविजुअल यहां पर हमें दो पैरामिशियम की जरूरत है राइट और दोनों पैरामिशियम दे शुड बी ऑफ ओपोजिट मेटिंग टाइप यानी कि उनकी जो मिली की सलाहियत है वो क्या होनी चाहिए ओपोजिट होनी चाहिए जैसे कि हम कह सकते हैं वन ऑफ दम विल बिहेव एज मेल अदर वन विल बिहेव एज फीमेल राइट तो अब इसे बोलते हैं एम टी पॉजिटिव और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स एम टी मेटिंग टाइप वट नेगेटिव ये वाले दो ऑपोजिट पेटेंट टाइप वाले ऑर्गेनिज्म जब आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे तो डेवलप अ ट्यूब एंड ट्यूब इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन ट्यूब राइट ये एनिमे, ये फिगर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फिगर में या फोटोग्राफ में आपको ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ अटैच नजर आते हैं थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्जुगेशन ट्यूब और उसके रिजल्ट में दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं गैमेट्स और जेनेटिक वेरिएबिलिटी ला सकते हैं और इस जेनेटिक वेरिएबिलिटी को लाना ही यू नो वेरी वेल क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये थी बातें स्टूडेंट्स रिगार्डिंग व्हाट द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ्रोटेस्ट प्रो दैट इज कॉल्ड एज सीरियस और अब हम आज की दूसरी क्लास की बात करें सेकेंड क्लास बेसिकली फोरा मीनी फेरा फोरा मिनी फेरा वैसे तो हमारी भी है शायदा मिनी है ना जी तो उससे भी ज्यादा फोरा मिनी फेरा है और जो दूसरा ग्रुप है स्टूडेंट्स मेरे पास उसे हम लोग नाम देते हैं क्या एक्टिनोपॉड्स इन दो ग्रुप्स में एक चीज बहुत सिमिलर है वो क्या है स्टूडेंट्स के दोनों क्या कहलाते हैं शेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी ये वाला ग्रुप भी एक शेल बनाता है और ये वाला ग्रुप भी एक शेल ही बनाता है तो मतलब ये हुआ हम कहना ये चाह रहे है। हैं स्टूडेंट्स आप वापस चलते हैं कॉलम नंबर वन में तो मैंने यहां पे लिखा था कि हम इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो जितने भी हमारे फोरामी फॉर्सोपॉर्ड हैं बाई डेफिनेशन दे हैव द एबिलिटी वॉट टू मेक इसीलिए मैंने यहां लिखा कि चाहे वो फोरामी फेरा हो वो भी एक शेल बना रहा है और चाहे वह टीनोपॉड है वो भी एक शेल बना रहा है सो इट इज देयर डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये उनकी एक सेपरेट सलाहियत है कि वो अपने गिरदे शेल बना सकते राइट right. अब देखना ये है कि अगर दोनों शेल बना सकते हैं स्टूडेंट्स तो फिर हमने इनको दो डिफरेंट ग्रुप में क्यों प्लेस किया है तो आंसर ये है कि बेसिकली उनके शेल एग्जाम्पल जो, जो मेरे पास मैनी फेरा है वो बनाते हैं कैलकेरियस कैलकेरियस इसका मतलब है कि देयर शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कैल्शियम का हुआ है वो कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है वो कैल्शियम और सॉल्ट हो सकता है बट द चीफ इंग्रेडिएंट इज कैल्शियम ऑन द अदर हैंड ये जो मेरे पास एक्टिनो तीनों हैं ये ग्लासी शेल बनाते हैं और आपको पता है कि ग्लास बनाने में जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वो सिलिका की होती है तो हम इसे वर्ड यूज कर देंगे कि हाँ सिलिशियस शेल्स सिलिशियस शेल्स मींस अप ऑफ सिलिका और ग्लास तो इस फीचर की वजह से हमने फोरा फर्स को एक्टिनो पॉट से डिफरेंट कर दिया अब मैं चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को टिप बताऊं ताकि आप इसको बात को भूले नहीं। तो एफ सी कॉलेज को आप याद रखिएगा तो फोरा मनी फेरा सेल बनाता है एफ सी से आपने याद रखते हैं कि ये फोरा मेनी फेरा सेल बना रहा है राइट और किसी जमाने में आ, एएस के बैट आया करते थे या लोग रख लेना है और डिस्टिंग फीचर बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ द सेम व्रुप अब हम चल रही है कि अगर आप इन दोनों किस्म के शेल्स को देखें तो आपने क्या देखा फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए एक ऑगरिज्म ड्रॉ कर रहा हूँ समथिंग लाइक इट ये मैंने एक ऑग्रिज ड्रॉ किया हुआ है इसके ऊपर इस तरह के स्पायर बने होते हैं स्टूडेंट्स और इन पर्टिकुलर स्पायर के अंदर यहाँ होल्स होते हैं इस तरह के समझ लें पहले छोटा होल है जो जो हम मूव करे हैं आउटर साइड की तरफ तो इनके जो पोर्स का साइज है वो भी क्या है बड़ा होता चला जा रहा है सो वेरी क्लोज टू द इट्स ओरिजिन इट इज हैव गॉट स्मॉल पोर्स एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम दिजन साइज इंक्रीजेस सवाल ये है कि इन ऑर्गेनिज्म ने आखिर क्यों बनाए हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है लॉजिक ऑफ हैोर्स राइट तो आंसर यह स्टूडेंट्स की ये यूनिशल ऑर्गेनिज्म कोर्स में इन्होंने बड़ी लॉजिकल सी एक अप्रोच लड़ाई उन्होंने ये बोला कि क्यों हम ऐसा घर बनाए कि जिसके हम आर आरपाड़ा देख सकते हो या जिससे हम किसी चीज से कहना कर सकते हो या कहीं से हम लेन देन ना कर सकते हो जैसे कि पुराने जमाने में बहुत बड़े बड़े किले होते थे तो उसके दरवाजे होते थे दरवाजों से लोग आते जाते थे इन्होंने भी यही वाला काम किया हुआ है इन्होंने अपने बाइरेक्ट फोर्ट्रेस तो बना लिया एक दिफाई हिसार तो बना लिया लेकिन उसमें होल्स छोड़ दिए और इन होल्स में से क्या निकलते हैं स्टूडेंट्स साइटो प्लास्मिक प्रोजेक्शन साइटो प्लाज्मिक प्रोजेक्शंस और ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं, दे आर स्टिकी इन नेचर ये बिल्कुल स्टिकी है प्लस दे कैन नेटवर्क बाई दे राइट एक नेटवर्क बन गया साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस का अब इस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस की वजह से फायदा क्या हुआ कि दे कैन इंटेंगल अप्रे इन टू दिस नेटवर्क यानी कि वो एक शिकार को उसमें फंसा सकते प्री का मतलब क्या है शिकार, अपने शिकार को फंसा सकते हैं और फिर आसानी से उसको अपनी बॉडी का पार्ट बना सकते हैं, right, अब हम वाले हैं। आप लोगों की बुक में गिवन एक रिगार्डिंग इस वक्त मैं जिस रेफरेंस से डिस्कस कर रहा हूं वो स्टूडेंट्स ये वाली क्लास है कैल्केरियस कैलकेरियस वाली क्लास है हम इसी को डाउनलोड रखते हैं यहाँ पे और इसी को मैं रिलेट कर रहा हूं इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के साथ राइट right. अब जरा बात को आपने से सुनना है ये ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स ये भी मरते हैं जब मरेंगे तो फिर क्या करेंगे विल सिंक टू तो द बॉटम ये बॉटम में चले जाएंगे और वो जगह जो पॉन्ट था वो इनकी जागीर बन जाएगी अब दी जागी वहां पे इनके जो शेल हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में चौक में और इन्होंने जब इनका दौर था ऑर्गेनिज्म इन यू कैन से तो जाहिर है नो वेरी वेल जो चीज जितनी ज्यादा पैदा होती है उतनी ज्यादा डेथ का शिकार भी होती है तो इन्होंने हमारी पास्ट हिस्ट्री में हमारे पॉइंट्स की बेसिस पे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस किया चौक तो ये इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन इकोसिस्टम हैव मेड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ऑफ चॉक इन द टाइम देयर डोमिनेशन राइट स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एपी कॉम्प्लेक्सन और एपी कॉम्प्लेक्शन की डिटेल के लिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग एंड अगेन आई ऑलवेज हैव आई एम ऑलवेज ऑफ द व्यू कि आप हर बात और गौर से सुनेंगे उसके पीछे जो एसोसिएटेड रीज़न uh, अटैच है तो आपको कोई भी बात भूलने की नहीं और ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चीजें रट्टा करनी पड़ती है नो एवरी थिंग हैज अ लॉजिक अगर आपके पास निगाह बीना है तो आप हर चीज़ के लॉजिकल की लॉजिकल बेसिस ज़रूर देख सकते हैं आई विश यू कि आप आपा इकबाल की दुआ के, के मुताबिक निगाहें बीना पैदा करें